हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुदीपा। तो आज है धनतेरस, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। माँ लक्ष्मी आप सभी को बरकत दे और आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रहे। तो दोस्तों आज है धनतेरस, तो हम लोग आज शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। बहुत कुछ प्लानिंग किया है, बट ना दोस्तों आज का मौसम इतना बेकार है, मैं आपको क्या बताऊँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ ना हो रही है बारिश। हमारे यहाँ ना आज दोपहर 2:30 बजे से ही बहुत ज्यादा बारिश चालू हो गई है। तो अभी तो थोड़ा कम हो रहा है, बूंदाबांदी हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि कब बारिश कम हो और हम लोग जाएं। तो चलिए, और फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने धनतेरस की एक एडवांस शॉपिंग कर ली है। फ्रेंड्स, मैंने एक अमेजोन से ओवन ऑर्डर किया था जो कि मुझे कुछ दिनों पहले ही डिलीवर हो चुका है, बट मैंने सोचा कि मैं इसे धनतेरस के दिन ही ओपन करूंगी। तो चलिए आज आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। लिया है ओटीजी ओवन, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इसे मैंने अमेजोन से मंगाया था। तो गाइस चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। पैकेजिंग बहुत अच्छी है। तो देखिए मुझे इसमें मिले हैं दो ट्रे, इसमें से एक तो है क्रम ट्रे तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आया है ये। तो चलिए अब मैं ओवन को निकाल लेती हूँ। तो चलिए अब मैं इसका ऊपर का पॉलिथीन निकाल लेती हूँ। इसमें ना सामान की सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मम्मी ने ये खोल दिया है। तो अब मैं इसके वायर को भी निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड चलिए अब मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ कैसा लग रहा है ये। दिखने में तो बहुत ही अच्छा है, और इसका जो बॉडी है ना वो स्टेनलेस स्टील का है, और इसका ये जो डोर है मिरर का है, बहुत ही अच्छा है क्वालिटी का मिरर है और बहुत ही आराम से निकल रहा है। अब इसके अंदर क्या है, ये ट्रे वगैरह है। तो चलिए अब हम आपको इसे ओपन करके दिखाते हैं। देख लीजिए, एक जाली टाइप से है जो कि इसमें फंसाना पड़ेगा। अब हम ट्रे को भी सेट कर लेंगे। मैं सबसे नीचे डाल दूंगी क्रम ट्रे को, और ये रॉड वगैरह को मैं बाद में फंसाऊंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ओवन आप मुझे बताइएगा। और देख लीजिए यहाँ पर इसका नॉब्स वगैरह दिया है, टाइमर वगैरह दिया है, और ये है बजाज का, 22 लीटर्स का है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। मैंने काफ़ी इसका रेटिंग वगैरह बहुत अच्छा देखा है, इसलिए मैंने लिया है। मेरे एक दो फ्रेंड ने भी मुझे यही लेने के लिए सजेस्ट किया। तो फ्रेंड ये थी मेरी धनतेरस की शॉपिंग, कैसा लगा आप लोगों को। अगर आप लोग कोई लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस हम लोग अभी जा रहे हैं धनतेरस की शॉपिंग के लिए। तो आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा। तो गाइस अभी इनको लगने वाला है चुनाव। तो यहाँ मार्केट में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है और हम लोग पहुँच गए हैं पखांजूर। तो चलिए अब हम ले लेते हैं रंगोली। देख लीजिए यहाँ बहुत सारे कलर्स हैं, तो मुझे जो जो कलर लेना है मैं छाट लेती हूँ। यहाँ पे दिए वगैरह भी रखे हुए हैं, बट दिया मेरा पहले से लिया हुआ है।
अभी जो आपको शॉप दिखाई दे रहा है ये मेरे ससुराल के वहाँ का शॉप है, यानी कि कापसी का शॉप है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी रंगोलियाँ रखी है, तो रंगोली मैंने ले लिया है इसलिए हम नहीं लेंगे। और यहाँ ना मुझे डिज़ाइनर दिए मिल गए हैं, तो मैं रेट में भी जम गया, तो मैं यहाँ से ये कुछ डिज़ाइनर दिए ले लूँगी। और फूल माला वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पर, लाइट वगैरह भी है, तो हल्का फुल्का मुझे जो जो सामान लेना है मैं वो ले लूँगी। तो मुझे एक लाइट भी पसंद आया, फेरी लाइट। आज ना हमारे यहाँ बारिश हुई है तो इस वजह से भीड़ थोड़ी कम है, वरना ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। देख लीजिए सभी लोग आ गए हैं, जिसको जो सामान लेना है वो ले रहे हैं। तो बस अभी हम लोगों का भी सामान वगैरह छांटना हो गया है और बस हम लोग अभी पे करेंगे, फिर आगे जाने वाले हैं। तो आप मेरे साथ पूरा वीडियो देखते रहिए। चलिए अब आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया। तो मैंने यहाँ से लिए हैं कुछ गमले, क्योंकि मुझे लेना था काफ़ी दिनों से, और लिया है फेरी लाइट और दिए वगैरह। तो और अभी हम आ चुके हैं बर्तनों के दुकान में, चलिए देखते हैं क्या लेते हैं। वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, पर देख लीजिए यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं और पूरे बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर, पीतल कांसा वगैरह का। तो मुझे, मैं ना हर लक्ष्मी पूजा के दिन, मतलब धनतेरस के दिन झाड़ू लेती ही हूँ, तो मैं यहाँ से झाड़ू छाट रही हूँ। और इस दिन धान झाड़ू लेने की बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो काफ़ी लोग, सारे लोग भी लेते हैं। देख लीजिए दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और मैंने अपने लिए लिए हैं कुछ प्लेट वगैरह, तो चलिए वो सब मैं आपको घर जाकर ही दिखाऊंगी। देख लीजिए आपसे बातें करते करते देख लीजिए यहाँ पर और भी लोग आए हैं, झाड़ू ले ही रहे हैं, बाकी कोई कुछ ले ना ले। तो फ्रेंड्स अभी मैं घर आ चुकी हूँ और आज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, क्योंकि मुझे, मैंने अमेजोन से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर किया है जो कि मुझे मेरे ओवन के लिए, ओटीजी ओवन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सब सामान भी एक दो दिन में ही आ जाएगा, तो जब आएगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल आज मैं क्या क्या लाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो ज़रूरत की सब सामान ही घर में है, बट तो मैंने सोचा धनतेरस से तो कुछ खरीद लेते हैं। तो देख लीजिए मैंने खरीदा है ये स्टील की प्लेट, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा प्लेट, ये ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए ठीक रहेगा। तो बस लेना था, कुछ ना कुछ लेती हूँ मैं हर साल ही, तो मैंने इस साल प्लेट ले लिया। और मैंने लिए हैं ये फ्लावर पॉट, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में कि मैंने बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स लाए हैं, तो मुझे उसके लिए ये लेना था। तो चलो अच्छा हो गया कि मुझे ये मिल गया और मैंने ले लिया। तो ये मैंने यहाँ के लोकल मार्केट से लिया है। और मैं लाई हूँ, चलिए आप मेरे साथ वीडियो देखते रहिए, दिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर डिज़ाइनर दिया लाया है। ऑलरेडी बहुत सारे दिए हम लोग ला चुके हैं, बट मुझे ना ये डिज़ाइनर दिया बहुत पसंद है, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, तो फाइनली मैं ले आई। देख लीजिए, मैं सोच रही हूँ मैं इसे कलर करूँगी, देखती हूँ अगर टाइम हुआ तो ज़रूर करूँगी। तो कैसा लगा आपको ये दिया बताइए। तो ये मेरा पर्सनली इंडिविजुअल शॉपिंग था, और भी दिवाली के लिए बहुत कुछ खरीदा गया है। और मैंने लाया है ये एलईडी लाइट, देख लीजिए, तो रेड कलर का लाया है। ऑलरेडी घर में कुछ था पहले के फेरी लाइट्स जो कि बहुत ही अच्छे हैं, तो बस मुझे लेना था तो मैंने ये रेड कलर का लिया है, देख लीजिए बहुत ही प्यारा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन हमेशा एक मैं झाड़ू जरूर खरीदती हूँ, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इससे घर में बरकत आती है, हमारे यहाँ पर भी मान्यता है, और बहुत सारे लोग आज के दिन झाड़ू जरूर ही खरीदते हैं। वैसे तो सोना चांदी खरीदने का रिवाज है, बट हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ नहीं तो कम से कम झाड़ू हमें इस धनतेरस के दिन जरूर खरीदना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का धनतेरस का शॉपिंग, कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा।
और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड, मैं ऐसे ही आपके लिए और भी डेली लाइफ का व्लॉग लाती रहूँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।